तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स में से हाइड्रोजन बांड और डैपोल डैपोल इंट्रैक्शन। तो आज हमने डिस्कस करना है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स से क्या मुराद है? तो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनमें से हमने डिस्कस करना है कौन सा? लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स किसने डिस्कवर किया है, किसने स्टडी किया है और कौन से मॉलिक्यूल में स्टडी किया है? तो देख लीजिए ज़रा, अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ये हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास दो तरह के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो नंबर एक है डैपोल डैपोल इंट्रैक्शन, और नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड है हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड। तो डैपोल डैपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बांड किस में होती है? तो डैपोल डैपोल अट्रैक्शन ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है ए बी, इसमें चूँकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ए से दूर चला जाता है और बी के करीब, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसको क्या कहा जाता है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको डैपोल कहा जाता है, और दो डैपोल के दरमियान जो अट्रैक्शन है फिर उसको डैपोल डैपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। ये क्या है? ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हो गया डैपोल डैपोल इंट्रैक्शन, डैपोल डैपोल इंट्रैक्शन। लेकिन अगर हमारे पास डैपोल किस किस्म का, अच्छा तो यहाँ पर ये ए और बी, ये कोई भी दो एटम्स हो सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 और 1.7 के दरमियान हो। तो यहाँ पर ये ए और बी कोई भी दो एटम्स हो सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कितनी हो, फ्राम 0.4 टू 1.7 हो, तो उसमें बांड पोलर होता है, डैपोल बन जाता है, और फिर दो डैपोल के दरमियान अट्रैक्शन को डैपोल डैपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। ये हाइड्रोजन बांड कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ए और बी मॉलिक्यूल हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये ए क्या है, ए हाइड्रोजन एटम, और बी कौन होगा, बी जो है ये ग्रुप नंबर 5 का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन होगा, ग्रुप नंबर 6 का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन होगा, या ग्रुप नंबर 7 का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन होगा। तो जब हाइड्रोजन इन तीन एटमों में से किसी एक के साथ अटैच हो डायरेक्ट, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो उस सूरत में दो मॉलिक्यूलों के दरमियान, दो डैपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस डैपोल डैपोल अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बांड। चूंकि ये आम डैपोल डैपोल अट्रैक्शन से क्या होती है, मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, इसी वजह से इसको मखसूस नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बांड। तो पोलर मॉलिक्यूल में तो दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए, डैपोल डैपोल अट्रैक्शन और क्या है नंबर सेकंड जो है वो है हाइड्रोजन बांड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, क्या चीज़ है, अगर यहाँ पर ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल कौन से हैं? फॉर एग्जांपल ये H2 मॉलिक्यूल है, क्या चीज़ है H2, ये O2 है, ये N2 है, Cl2, यहाँ पर इसके अलावा CH4 है, C2 H6 एट्सेट्रा, तो इसमें पेट्रोल आते हैं, डीजल वगैरह, केरोसिन ऑयल, ये सब इसमें आते हैं।
तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर ये देख ले जरा, हाइड्रोजन ये, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चूंकि जीरो है तो बॉन्ड नॉन पोलर है। यहाँ पर इन सब में बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में चूंकि पोलरिटी नहीं होती है तो उसमें तो न तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और न डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किस किस्म की अट्रैक्शन होंगी, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेज लंडन, क्या नाम था, फ्रेज लंडन, उन्होंने 1930 में डिस्कवर किया। और फ्रेज लंडन नामी साइंटिस्ट के नाम के मुनासिबत से उसको क्या कहा जाता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो किसने डिस्कवर किया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये लंडन नामी साइंटिस्ट ने स्टडी किया है 1930 में। तो लंडन के नाम के मुनासिबत से उसको लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देख ले जरा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स किसने स्टडी किया है, फ्रेज लंडन, और कब स्टडी किया है, लंडन, और 1930 में किस में स्टडी किया है, इनान पोलर मॉलिक्यूल्स, इनान पोलर मॉलिक्यूल्स। तो लंडन के मुताबिक, लंडन क्या कहता है, लंडन कहता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन्स दरमियान में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके गिर्द सिमेट्रिकली यकसा तौर पर फैले हुए होते हैं। तो किस तरह देख ले जरा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गए प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स इनके इर्द गिर्द यकसा तौर पर फैले हुए होते हैं। प्रोटॉन्स आर इन मिडल और इलेक्ट्रॉन्स इनके गिर्द यकसा तौर पर फैले हुए होते हैं। ये देख ले जरा, ये डिस्ट्रीब्यूट है, तो जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो वहाँ पर ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो उस पर हम प्रेशर लगाते हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं। तो प्रेशर क्यों हम बढ़ाते हैं, तो जब हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, यह इस पर क्या करते हैं, प्रेशर, और इस पर भी प्रेशर लगाया जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। यहाँ पर ये देख ले जरा, ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल्स करीब आ गए। जब करीब आ गए तो इनका ये क्या है, ये इनका इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, ये देख ले जरा, इनका ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है और ये हो गए प्रोटॉन्स। यहाँ पर ये क्या है, प्रोटॉन्स। अच्छा, तो जब करीब आ गए तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होती है, रिपल्शन होती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाते हैं, इस मॉलिक्यूल के या इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाती है, ये मॉलिक्यूल इस किस्म का हो जाता है और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ये हो गया। तो ये देख ले ज़रा, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से ये इस साइड पर आ गए, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसमें ये क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं, और ये चूंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें ये प्रोटॉन आ गए, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब डायपोल बन गया, इस साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस डायपोल को क्या कहा जाता है, इस डायपोल को इंस्टेंटेनियस डायपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल।
अब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के इस साइड पर जो मॉलिक्यूल है, इस साइड पर भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो देख ले जरा, सपोज यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, सपोज इस साइड पर भी मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरह मौजूद है और ये हो गए इसके प्रोटॉन्स, इसके ये प्रोटॉन्स हो गए। तो ये डायपोल जो है इंस्टेंटेनियस डायपोल, तो ये यहाँ पर हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन चूंकि इस साइड पर है, यहाँ पर हो गए प्रोटॉन्स, ये क्या है, ये है प्रोटॉन्स और इस साइड पर है इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो इसके पार्शियल पॉजिटिव एंड के करीब हैं, तो इसका पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और प्रोटॉन को रिपेल करता है, तो इसमें पोलरिटी पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलरिटी, किस तरह पोलरिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाते हैं, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस साइड पर आ गया प्रोटॉन्स, ये क्या है, ये प्रोटॉन इस साइड पर आ गए तो इस पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के नेगेटिव एंड के करीब है, तो इसमें भी पोलरिटी पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलरिटी, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और प्रोटॉन को रिपेल अट्रैक्ट करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इस साइड पर, और प्रोटॉन इस साइड पर आ गए, यह पर प्रोटॉन ये हो गए, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फर्स्ट डायपोल बन गया, फर्स्ट जो डायपोल बन गया, इसको क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल कहा जाता है। और इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के जरिए से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल से या इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो डायपोल बन गए, इनको क्या कहा जाता है, इन डायपोल्स को इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड डायपोल। और ये क्या हो गया, ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर इनमें अट्रैक्शन और यहाँ पर इनमें भी अट्रैक्शन है। तो ये अट्रैक्शन किसने डिस्कवर किया है, ये लंदन नामी साइंटिस्ट ने स्टडी की है। तो लंदन के नाम के मुनासिबत से इसको क्या कहा जाता है, इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है। तो दोबारा ज़रा देख ले, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन्स दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली इनके गिर्द डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो गैस, ये अक्सर गैसेस में होती हैं, गैस रूप में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड और सॉलिड में भी हो सकते हैं। लिक्विड्स फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, और सॉलिड में भी ये होती हैं, ग्रीस वगैरह है, ग्रीस है और आयोडीन है, उसमें ये पाई जाती हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स इनके इर्द गिर्द सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जब इस पर प्रेशर को लगाया जाए तो ये मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, करीब आने पर इनके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स में क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से एक मॉलिक्यूल के इसके या इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन एक साइड पर आ जाती हैं, प्रोटॉन दूसरी साइड पर चले जाते हैं, डायपोल बन जाता है। ये जो डायपोल बन गया, इसको क्या कहा जाता है, इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कहा जाता है, इंस्टेंट लम्हा, तो लम्हाती डायपोल। तो ये फॉर शॉर्ट टाइम बन जाता है, तो इसे भी बन सकता है, इसे भी बन सकता है। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इनसे बन गया, तो इसके इस साइड पर ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चूंकि सिर्फ दो मॉलिक्यूल तो नहीं होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके पॉजिटिव एंड के करीब हैं, तो इसका जो पॉजिटिव एंड है, ये किसको, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है और प्रोटॉन को रिपेल करती है, तो प्रोटॉन उस साइड पर चली जाती है, इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाती हैं। और अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके नेगेटिव एंड के करीब है, तो ये इनके पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और प्रोटॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसमें प्रोटॉन इस साइड पर आ गए, इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ गए। तो ये पोलर मॉलिक्यूल या इंस्टेंटेनियस डायपोल के जरिए से नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो डायपोल बन गए, इनको इंस्टेंटी इनको इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड डायपोल।
तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, लंदन नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ये मुताला, ये यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया ये लंदन ने ये स्टडी किया है, ऑब्जर्व किया है। तो इसको लंदन के नाम के मुनासिबत से लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले इनसे, तो इसको मिटाकर मैं इसको इसकी तारीफ लिखता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले ले, नो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। नो इसकी तारीफ हम किस तरह लिखते हैं, द मोमेंट्री मोमेंट्री या टेम्प्ररी, द मोमेंट्री या टेम्प्ररी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो यहाँ पर मैंने मोमेंट्री या टेम्प्ररी का लफ्ज लिखा। तो मोमेंट्री का मतलब क्या है, मोमेंट्री का मतलब यह है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आम हालत में नहीं होती हैं। तो जब हम प्रेशर लगाकर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्रिएट होती है, प्रेशर लगाकर मॉलिक्यूल को करीब लाते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती हैं। अब अगर इस पर प्रेशर को कम किया जाए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है लिक्विड हालत में हमारे पास मौजूद है, तो उस पर जब हम प्रेशर कम करते हैं तो वो वोलेटाइल हाईवे पर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वजह क्या है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई कमज़ोर है, तो प्रेशर कम करने से ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाती है और ये दोबारा इस हालत में तब्दील हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको मोमेंट्री या टेम्प्ररी कहा जाता है। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन वो क्या है, वो परमानेंट है। हाइड्रोजन बांड क्या है, वो परमानेंट है, चूँकि वो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं आम हालत में, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ऑलरेडी वो मॉलिक्यूल परमानेंट डायपोल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट डायपोल नहीं है, ये क्या है, टेम्प्रेरी है। हम प्रेशर लगाकर इसमें पोलरिटी क्रिएट करते हैं, तो इसी वजह से इसके लिए मोमेंट्री या टेम्प्ररी का लफज इस्तेमाल किया जाता है। द टेम्प्ररी या मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स, एंड दिस इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखना MCQ है, तो इट इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे जो स्ट्रांगर है वो है हाइड्रोजन बांड, सेकंड नंबर पर है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, थर्ड नंबर पर जो है वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन है, और फोर्थ नंबर पर ये क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो ये तो हो गई लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो वो कौन से वामिल है जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को मुतासिर करती है, इस पर असरअंदाज होते हैं। तो दो फैक्टर्स हैं, दो अवामिल हैं, नंबर एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर दो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज क्या है, छोटा है, तो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होंगी, वीक होंगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होंगी, कम होंगी। और अगर मॉलिक्यूलर साइज लार्ज है तो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, हाई होंगी। तो इसको मैं एक एग्जांपल से क्या एक्सप्लेन करता हूं। तो एग्जांपल क्या है, तो यहां पर मैं लिखता हूं Cl2 और ये है Br2। अब Cl2 क्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद क्या है, आयोडीन है। तो क्लोरीन का चूंकि साइज़ छोटा है और ब्रोमीन का साइज़ क्या है, लार्ज है, तो ये हमारे पास क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, Cl2 के मॉलिक्यूल है, ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है और ये क्या है,
दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। तो इसमें यहाँ पर ये क्या है, ये हो गए प्रोटॉन्स क्लोरीन के, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एटम नहीं है, ये Cl2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं Cl2। और ये क्या है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, क्या है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2 है। यहाँ पर ये भी Br2 है, क्या है, Br2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल ये भी है। अच्छा, तो इसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा तो ये कौन हो गया, ये हो गया Cl2, एक Cl2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा Cl2, ये एक Br2 और ये दूसरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये करीब आ गए, प्रेशर बढ़ाकर करीब आ गए, इनसे डायपोल बन गया। तो यही प्रोसीजर है, यही तरीका है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट डायरेक्ट बनाते हैं। तो ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है और ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल है। तो अच्छा, तो यहाँ पर ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, इनसे ये डायपोल बन गया और ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो ये, और यहाँ पर ये एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल और ये दूसरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल है। तो ये इस, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसमें ये क्या है, प्रोटॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स, और यहाँ पर ये प्रोटॉन्स है। तो ये क्या है, Cl2 और ये भी Cl2। तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल और ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल है। तो इस, अच्छा यहाँ पर इसमें हम लेते हैं ब्रोमीन में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ गए और इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और इसमें ये प्रोटॉन्स हो गए, क्या है, प्रोटॉन्स है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है, Br2 और ये Br2। तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल और ये क्या है, ये इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। तो अब Cl2 में साइज चूंकि स्मॉल है, जब साइज स्मॉल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोटॉन से कम फासले पर चला गया है, यानी प्रोटॉन के करीब है। जब प्रोटॉन के करीब है तो इसमें जो पोलरिटी पैदा हो गई वो कम है, जब पोलरिटी कम हो तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार ये बता चुका हूँ कि जितना पोलरिटी ज़्यादा होता है उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर ये साइज चूंकि छोटा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के करीब है तो इसमें पोलरिटी कम होती है, जब पोलरिटी कम होती है तो यहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो वीक होंगी। यहाँ पर इसका साइज चूंकि लार्ज है, साइज लार्ज होने की वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, जब दूर चले जाते हैं पोलरिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है ये क्या होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इसमें स्ट्रांगर होंगी, क्या होंगी, स्ट्रांगर होंगी। और इसमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है ये क्या होंगी, ये वीकर होंगी। तो यही वजह है कि फ्लोरीन जो है ये गैस हालत में, फ्लोरीन किस हालत में होती है, गैस हालत में, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन का चूंकि साइज कंपेरेटिवली लार्ज है तो क्लोरीन भी गैस हालत में है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्लोरीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है ब्रोमीन।
तो ब्रोमीन का साइज चूंकि और भी लार्ज है, तो ब्रोमीन का साइज लार्ज होने की वजह से उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है और ब्रोमीन लिक्विड हालत में होती है। और ब्रोमीन के बाद नेक्स्ट वन जो है आयोडीन, तो आयोडीन का चूंकि साइज और भी लार्ज है तो साइज लार्ज होने की वजह से उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स और भी स्ट्रॉन्गर होती है और आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो जितना मॉलिक्यूलर साइज लार्ज होता है, जितना मॉलिक्यूलर साइज लार्ज होता है तो इतना लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा होंगे। तो इसके बाद नंबर सेकंड वन जो है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, तो नंबर सेकंड वन वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मॉलिक्यूलर मास बराबर है लेकिन मॉलिक्यूलर शेप जो है वो मुख्तलिफ है, तो उसमें किस में लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होंगी। तो याद रखना कि जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांगर होती है बनस्बत ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स के। तो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल चूँकि लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं, उसमें पोलरिटी ज़्यादा पैदा होती है, तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो स्ट्रांगर होती है बनस्बत ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स के। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो ये देख ले ज़रा एन ब्यूटेन, तो CH3, CH2, CH2 और CH3, और ये दूसरा CH3, CH2 और CH2 और CH3 है, और यहाँ पर ये CH3, CH, CH3 और ये मिथाइल ग्रुप, और ये CH3, CH, CH3 और ये क्या है CH3 है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4, उसमें 4, तो कार्बन हो गए 4 और हाइड्रोजन है 10। इसमें कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 10। इसको कहा जाता है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको कहा जाता है आइसो ब्यूटेन, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। तो इसका इसमें कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, और इसमें कार्बन 4, 1, 2, 3, 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। तो ये क्या है, ये आइसोमर्स हैं, क्या है, चेन आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। तो जब हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, ये मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, तो इसमें पोलरिटी पैदा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाते हैं और इसमें यहाँ पर, और इसमें प्रोटॉन यहाँ पर, और इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। इसी तरह इनको करीब लाते हैं तो इसमें ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो चूंकि ये मॉलिक्यूल लेंथी है तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, पोलरिटी यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल चूंकि शॉर्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब है, पोलरिटी इसमें क्या होती है, कम होती है। तो पोलरिटी कम होने की वजह से यहाँ पर जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी, और इसमें पोलरिटी ज़्यादा है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये हो गया लंडन डिस्पर्शन फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और इसमें ये हो गया लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो यहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूल लेंथी है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, पोलरिटी ज़्यादा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या है, स्ट्रांगर है, तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर दरकार है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 272.5 केल्विन, सेल्सियस नहीं, केल्विन, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 263.3 या 5 केल्विन है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 272.5, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट है गालिबन 263.3 केल्विन, गालिबन इतना है, समथिंग 261.3 या 263.3 समथिंग। अच्छा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, ये सेल्सियस नहीं है, ये सेंट्रिक केल्विन है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों कम है,
चूंकि मॉलिक्यूल शॉर्ट है, पोलरिटी कम है, पोलरिटी कम है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी निरंतर डिस्पर्शन फोर्स जो है ये वीकर है, इसीलिए इसकी ब्रेकडाउन के लिए कम एनर्जी दरकार है। और ये क्या होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 263.3 या 261.3 केल्विन, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लेंथी है तो पोलरिटी ज़्यादा हो गई, लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांगर है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 272.5 केल्विन। तो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स। व्हाई? बिकॉज इन स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर स्ट्रांगर देन ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स। तो यही वजह है कि हमारे पास अगर पेट्रोल है और केरोसिन ऑयल है और साथ साथ डीजल भी है, डीजल तो यहाँ पर पेट्रोल में, केरोसिन ऑयल में, पेट्रोल में जिसको केमिस्ट्री में गैसोलीन कहा जाता है, उसमें कितने कार्बन होते हैं? कार्बन 5 से लेकर कार्बन 9 तक होते हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो है वो 7 और 8 कार्बन के होते हैं, हेप्टेन और अक्टेन है मेजर कंपोनेंट्स, हेप्टेन अक्टेन। तो उसमें कार्बन की तादाद कम होती है और मॉलिक्यूल शॉर्ट होते हैं कंपेरेटिवली। नंबर दो, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में 10 से 12 तक कार्बन होते हैं, 12-13 तक कार्बन होते हैं, 14 तक, तो उसमें मॉलिक्यूल और भी लंबे हो जाते हैं। डीजल जो है उसमें 15-16-17 कार्बन होते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल और भी लेंथी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेंथी हो जाते हैं। तो डीजल के मॉलिक्यूल चूंकि लंबे हैं उसमें पोलरिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो स्ट्रांगर होंगी बनस्बत केरोसिन के, केरोसिन जिसको हम मट्टी का तेल कहते हैं, और केरोसिन में लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांगर होती है बनस्बत पेट्रोल के जिसको हम गैसोलीन कहते हैं। तो गैसोलीन जो है पेट्रोल ये मोर वोलेटाइल है बनस्बत केरोसिन ऑयल के, और केरोसिन ऑयल मोर वोलेटाइल है देन डीजल। तो डीजल के मॉलिक्यूल, वो डीजल गाढ़ा होती है, क्यों गाढ़ा होती है? उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा होती है, वो लेस वोलेटाइल है, और पेट्रोल जो है ये पतले होते हैं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, ये मोर वोलेटाइल है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी मॉलिक्यूलर मास कम है, उसकी मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, उस शॉर्ट होते हैं, तो इसी वजह से उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होंगी। तो यह है लंडन डिस्पर्शन फोर्स और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर कल हाजिर खिदमत होंगे। ओके, खुदा हाफिज़।